हेलो फ्रेंड्स, मिस्टर होममेड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। दोस्तों, मैंने इस चैनल में आपको काफ़ी इलेक्ट्रिकल के बारे में वीडियोस डाली हैं, लेकिन आज हम कुछ खाने पीने के वीडियो बनाएंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने वेज कीमा कैसे बनाना है। जैसे आपने पहले आप कभी नॉन वेज खा चुके हो और अब आप नहीं खा रहे, तो आपका टेस्ट वही है आपको पसंद। तो आज आपको मैं वेजिटेरियन डिश बना के दिखाऊंगा, जिसका नाम दिया है वेज कीमा। दोस्तों, हमें वेज कीमा बनाने के लिए जो जो सामान चाहिए वो देख लीजिए। जितना आपने वेज कीमा बनाना है उसी के हिसाब से आप कटे हुए प्याज चाहिए और मशरूम, सोयाबीन, इसे न्यूट्री भी बोलते हैं, और टोमेटो पेस्ट और कैप्सिकम, ग्राइंड की हुई ये मिर्ची मसाला है, और रेड मिर्च, सॉल्ट और हल्दी, और जो भी ऑयल आप यूज़ करते हो, रिफाइंड सरसों ऑयल कुछ भी, और वेजिटेबल ग्रेटर चाहिए। कीमा वेज में वेजिटेबल ग्रेटर बहुत ज़रूरी है। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे आपको पता है न्यूट्रेला चूरा भी मिलता है, लेकिन कई बार क्या होता है, घर में न्यूट्रिया है, जैसे ये साबुत न्यूट्रिया है, तो आप इसको ग्रेटर के साथ बारीक करके यूज़ कर सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, न्यूट्री को ग्रेटर करने से पहले आपने इसको बॉयल पानी में भिगो कर रखना है, ताकि ये बिल्कुल नरम हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, ये न्यूट्रिला चूरा बन गया, और ये मैंने थोड़ा सा पहले भी ग्रेटर करके रखा है, और ऐसे ही हम आपने मशरूम को भी ग्राइंड करना है। देखिए फ्रेंड्स, मशरूम को थोड़ा कटिंग करके डालना पड़ेगा, क्योंकि मशरूम के काफ़ी बड़े साइज़ हैं। और फ्रेंड्स, मशरूम को आपने यूज़ करने से पहले बिल्कुल बॉयल पानी में इसको वॉश करना है। देखिए, बिल्कुल बॉयल पानी में वॉश करने के कारण इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन बीच में से बिल्कुल ये वाइट है। अगर मशरूम के ज़्यादा छोटे पीसेस करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल ग्राइंड हो गया है। ये देखिए, इस तरह का हो जाएगा। ये मैंने पहले भी मशरूम ग्राइंड करके रखी है, थोड़ी देर रखने के बाद इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ऊपर वाला कलर चेंज हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम वेज कीमे की ग्रेवी बनाएंगे। उसके लिए पहले कढ़ाई को थोड़ा सुखाएंगे आंच पे, इसमें थोड़ा इसमें कहीं सिलन ना हो, पानी ना हो, और उसके बाद आप ग्रेवी के अनुसार इसमें ऑयल डालिए। फ्रेंड्स, आपने ऑयल बिल्कुल गरम करना है, उसके बाद इसमें कटे हुए प्याज डालने हैं। देखिए फ्रेंड्स, तेल गरम हो गया है, अब हम इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे। प्याज आपने बिल्कुल ब्राउन करने हैं धीमी आंच पे। जब तक प्याज ब्राउन ना हो जाए, आपकी ग्रेवी ठीक नहीं बन सकती। देखिए फ्रेंड्स, प्याज बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं, ये पेस्ट बना हुआ है। हरी मिर्च, जीरा, अदरक और लहसुन, इसका पेस्ट तैयार किया हुआ है। अब हम इस पेस्ट को इस ग्रेवी बनाने के लिए डालेंगे।
अब इसको अच्छी तरह मिक्स करना है आपको। याद रहे ग्रेवी बनाने के लिए आपने धीमी आंच रखी है, इस पीस को भी आपने थोड़ा ब्राउन करना है। देखिए फ्रेंड्स, पेस्ट ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, और स्वाद के अनुसार रेड मिर्ची और स्वाद के अनुसार ही नमक डालेंगे। अब इसे मिक्स करना है। ये देखिए हल्दी मिर्च और नमक सारा मिक्स हो गया है। अब ग्रेवी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे। आप चाहे हो तो उसमें आप मलाई या क्रीम वगैरह भी डाल सकते हो। दूध अच्छी तरह मिक्स होने के बाद आपने इसमें कैप्सिकम डालनी है, और साथ ही आपने टमाटो पेस्ट भी डाल देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करना है। दोस्तों आप सोचते होंगे कि ग्रेवी में कैप्सिकम नहीं डालते, लेकिन दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा चाइनीज़ फ्लेवर चाहिए तो ग्रेवी में कैप्सिकम थोड़ी डालनी पड़ेगी। अब देखिए हमारी ग्रेवी तैयार हो गई है। अब हम जो हमने मशरूम ग्राइंड की है वो इसमें मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स जब मशरूम अच्छी तरह पक जाएगी, आप याद रखिए कि लास्ट में, सबसे लास्ट में आपने न्यूट्री यानी कि सोयाबीन डाल ली है इसमें। देखिए दोस्तों मशरूम को थोड़ा पकाने के लिए हम इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देंगे। फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि मशरूम बन पक गई है कि नहीं। देखिए फ्रेंड्स तकरीबन मशरूम पक गई है। अब इसमें हम न्यूट्री डालेंगे यानी कि सोयाबीन डालेंगे। इसे अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। फ्रेंड्स आपने इसको तब तक पकाना है जब तक कि इसका सारा पानी सूख ना जाए और ये बिल्कुल कीमे की तरह ड्राई ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, तो आपका वेज कीमा तैयार है। अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। Thank you.
देखिए फ्रेंड्स, आपका वेज कीमा बिल्कुल तैयार है। दोस्तों, ये वेज कीमा आप घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें बनाने के लिए, ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आपको क्या अच्छा लगा है और क्या नहीं अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।